कानपुर पहुंचे बीएचपी केंद्रीय उपाध्यक्ष और रामकृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े सवालों पर बात की। चंपत राय ने साफ कहा कि जो लोग राम मंदिर के कोष पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए कोर्ट, पुलिस और इनकम टैक्स विभाग का दरवाजा खुला है। चंपत राय ने मंदिर निर्माण में किसी तरह की खामियों से इनकार किया। आपको बता दें कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर राम मंदिर के नाम पर जुटाई गई राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे थे। चंपत राय के खिलाफ कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिस पर अब चंपत राय ने कहा कि सवाल खड़े करने वालों के लिए कोर्ट, पुलिस और इनकम टैक्स विभाग का दरवाजा खुला है। राम को लेकर कर्नाटक के एक लेखक ने जो टिप्पणी की उसको लेकर चंपत राय ने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि तमिलनाडु में राम की प्रतिमाओं को सड़क पर निकालते हुए जूते मारकर जुलूस निकालने वाले नहीं है। राम को आप रोज कुछ ना कुछ कहिए, राम का क्या जा रहा है। आप कभी तमिलनाडु में राम की प्रतिमाओं को सड़क पर निकालते हुए जूते मारकर, अगर आपने कभी इतिहास थोड़ा पढ़ लीजिए तमिलनाडु का, मेरी आयु का इतिहास है। आज उस तमिलनाडु में राम को जूते मारकर सड़क पर जुलूस निकालने वाले नहीं है, क्या बात है। राम को आप रोज कुछ ना कुछ कहिए, राम का क्या जा रहा है। श्रद्धा है आपकी तो राम की पूजा करेंगे, श्रद्धा आप नहीं है तो जो इच्छा आता है वो करिए, आपको रोकता कौन है। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चंपत राय ने कहा कि अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर एक आदमी पैदल चल रहा है तो इसमें आप लोग को हमको क्या आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं। वहीं चंपत राय ने बागेश्वर धाम सरकार पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने बागेश्वर धाम के चमत्कारों के बारे में कहा कि ये हमारा विषय नहीं है, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता हूँ, मगर कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं जो जन्म के साथ आ जाती हैं। आप जितनी ऊंचाई पर खड़े होंगे आपको उतनी दूर तक दिखाई देता है। हो सकता है किसी आदमी के अंदर भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी हो तो ये अच्छा ही है कि वो किसी के मन की भावना को भांप लेते हैं। ये तो अनादिकाल से हिंदू समाज के साथ चल रहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा नहीं आप मत जाइए, जिसकी श्रद्धा है आप उसे रोकने की कोशिश करिए, रुक गया नहीं रुका। तो मैं इन विषयों में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। शेष एक बात, कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ रहती हैं जो जन्म से आ जाती हैं, इसको हम इस तरह से लेते हैं यानी विश्व हिंदू परिषद में, आप जितनी ऊंचाई तक खड़े होंगे, जितनी ऊंचाई पर उतनी दूर तक का आपको दिखाई देगा। बीस मंजिल छत की ऊपर खड़े होंगे तो आप कितना दूर तक देख पाएंगे, और अगर धरातल पर ही खड़े हैं तो कितना दूर तक देख पाएंगे। तो हो सकता है किसी आदमी के अंदर अगर ये भगवान ने जन्मना शक्ति दी है तो उसका आंतरिक गुण इतनी ऊंचाइयों पर है, दूसरे के मन की बात भांप लेते हों, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। आपत्ति करने का अधिकार है, आपत्ति उन्होंने की, मुझे टिप्पणी करने का क्या अधिकार है। उनकी आपत्ति का नोटिस सरकार को लेना चाहिए।